हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमित शाह के फैसले के सामने नतमस्तक हुई वसुंधरा राजे, अब करेंगी ये बड़ा काम। चलो देखते हैं, क्योंकि पहले तो उनको अब देखते हैं क्या होता है। अब उनको वो पहले कई एक वीडियो में था ना, जिसमें हमें पता चला था कि वो तो कोशिश कर रही थी अपने कोई डिमांड्स मनवाने की उस टाइप से, और इलेक्शन के टाइम से ही जब से शुरू हो रहा था, मतलब वो कर रहे थे एरोगेंस थी उनको। मगर मोदी जी और अमित शाह ने पहले से ही सोचा रखा था कि नहीं करना, और इनको हिंट दे चुके थे। ऐसा नहीं था कि इनको हिंट नहीं मिले हुए थे, इनको हिंट दे दिए थे कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में जो है तुम्हारे साथ अब तुमको नहीं करेंगे हम, और वो उनको पता था ही, फिर भी वो काफी अकड़ के और वो सब कर रही थी। तो चलो अब देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और आप कह रहे हैं ना बालकनाथ जी जो है उनका बनने का अब चांस हो रहा है, तो देखते हैं। वैसे अभी तो बड़ी पार्टी शाटियां हो रही होंगी, जश्न मन रहे होंगे ये। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 3 दिसंबर का दिन ये कह लीजिए बीजेपी के नाम रहा। 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी वाहवाही तो बटोर रही है, जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, और ये चुनौती राजस्थान में आकर और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच पांच दावेदार पांच हो गए हुए नजर आ रही है। और तीन नाम तो ऐसे हैं जो सबसे आगे चल रही हैं, जैसे वसुंधरा राजे। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मौका मिल सकता है, और महारानी एक बार फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। दूसरे नंबर पर चल रहा है भगवाधारी बाबा बालकनाथ का नाम, जिनकी बुलडोजर नीति की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिनको योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो महारानी नहीं चाहिए बल्कि बाबा बालकनाथ चाहिए। वो महारानी से उठे हैं, इसीलिए जमीन की महारानी समझेंगे। इसके अलावा तीसरा नाम चल रहा है किरोड़ी लाल मीणा का। इन सब के अलावा अब बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, जिसके बाद खबर ये मिल रही है कि एक तरफ अमित शाह ने बालकनाथ को दिल्ली बुलाया, तो दिल्ली पहुंच भी गए, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से लगातार मुलाकात कर रही हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता। अब असमंजस की स्थिति है बीजेपी आलाकमान के सामने। वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हैं तो उनका गुट नाराज हो जाएगा, जबकि बालकनाथ को नजरअंदाज करते हैं तो शायद राजस्थान की जनता नाराज हो जाए, क्योंकि तो आप सोशल मीडिया पर जाइए, एक्स प्लेटफॉर्म खोलिए, आपको बालकनाथ ट्रेंड करते हुए मिलेंगे। लाखों पोस्ट अब तक इस ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए हो चुके हैं, और एक ही आवाज बुलंद की जा रही है, आवाज है कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि वसुंधरा राजे से कौन कौन से नेता बार बार मुलाकात कर रही है, और इसके सियासी मायने क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें, वसुंधरा राजे से लगातार नेताओं के मिलने का दौर जारी है। कौन कौन से विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं ये अब आपको बता देते हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे के आवास पर उनके करीबी विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ पहुंचे। इनके अलावा बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा झालावाड़ के मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, बारा विधायक राधेश्याम बैरवा, डग से जीते कालूलाल मीणा भी सिविल लाइन उनके आवास पर पहुंचे। इसके अलावा गुड़ा मलानी विधायक के बिश्नोई, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भी जीते वाले वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जीते हैं क्या ये सब जो जीते हुए हैं अपने एरिया में? यही कह रही हूँ कि अगर मैं गई तो तुम्हें लेके जाऊंगी। जिस तरीके से ये विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अमित शाह के आगे फेल होती हुई दिख रही है। कहा तो ये तक जाने लगा है कि अमित शाह के आगे वसुंधरा राजे की एक नहीं चल रही, और इसीलिए उन्होंने भी अब ये मान लिया है कि अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए दबी जुबानों में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में भी ये खबरें हैं कि बालकनाथ के आगे वसुंधरा राजे खुद को असहाय सा महसूस कर रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर
पार्टी बालकनाथ को मौका देती है तो क्या वसुंधरा राजे और बालकनाथ के बीच तकरार शुरू हो जाएगी? अगर पार्टी किसी और को मौका देती है तो क्या पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ जाएगी? देखिए, राजस्थान एक ऐसा हॉट राज्य कहा जा सकता है जहां पर इस पद के लिए हमेशा दो दिग्गजों में लड़ाई देखी गई है। कांग्रेस के वक्त में भी हमने देखा सचिन पायलट बागी हुए वे नजर आए और अब यही स्थिति बन रही है बीजेपी के सामने। अब इस स्थिति से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सबको कैसे निकालेंगे दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से इन विधायकों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसके राजनीतिक मायने क्या है आप भी बखूबी समझते हैं। फिलहाल अब आप बताइए, आप पर छोड़ देते हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? यार बताओ आप लोगों को कौन लगता है कि किसको बनाना चाहिए? मुझे तो लगता है वो जो लोग चाहते हैं, हाँ वो जो लोग चाहते हैं बालकनाथ कह रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं को बनाना चाहिए। उनको भी एक चांस मिलना चाहिए कि देखें कि वो क्या करते हैं, क्योंकि इनको तो मिल चुका है चांस। और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो आप लोग बता रहे थे कि जब ये बनी है वसुंधरा राजे इन्होंने कोई काम नहीं किया, जो एक्सपेक्टेशन थी नहीं की। और पब्लिक जो है, जब पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है कि भैया हमें ये चाहिए और जनता ने जिताया तो उनकी सुननी है। और जैसे इतने सारे लोग उनके उसी से पता चल रहा है कुछ लफड़े, वो लोगों को इस टाइप से बोल रही है अगर मैं गई तो उनको लेके डूबूंगी, हाँ या वो लोग इसके साथ बड़ी सारी सीक्रेट्स हैं, ये जो भी अपने उनको जैसे कर रहे ना कोई डील वील करने की कोशिश कर रही होंगी, जैसे मूवियों में दिखाते नहीं है पॉलिटिशियंस डील करते अगर मैं बन गई मुझे सपोर्ट दो मैं तुम्हें ये फलाना पापा दे दूंगी या ये करा दूंगी। अमित शाह ने बोल दिया मांगे मांगे तो नहीं चलेगा, तो वही है। पर देख लो भाई, जो ऊपर से आएगी डिसीजन होगा होगा तो वही, और उनको ये दिख भी रहा था। ऐसा तो है नहीं अमित शाह या मोदी जी को पता नहीं होगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो ये उनको पहले से अंदाजा होगा। तो अब देखते हैं कि ऊपर से इनका डिसीजन क्या आता है और किसको बनाते हैं। पर लग रहा है कि ये जो लेडी है ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि मैं बनूं किसी भी तरह, मतलब कहते हैं ना कि को राइट और रॉन्ग ना सोच के, पार्टी का या देश का ना सोच के, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रही है कि भैया मैं बन जाऊं और मेरे को फायदा होएगा, वो अपना फायदा देख रही है, वो उस टाइप की पॉलिटिशियन है। और जो बालकनाथ जी थे उनका भी हमने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि जो भी मोदी जी का डिसीजन होगा वो ठीक है, अगर बनाना होगा वो डिसाइड करेंगे अमित शाह और मोदी जी, जो उनका डिसीजन होगा वो होगा, अगर वो चाहेंगे कि चाहते हैं कि मैं बनूंगा तो ठीक है, नहीं होगा एंड ऑफ द डे जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए। अगर लोग चाहते हैं बालकनाथ जी बने तो उनको बनना चाहिए, सिंपल एज दैट। बिल्कुल, पहले से राजस्थान के लोग कह रहे थे हमें योगी जी जैसे कोई चाहिए जो हेल्प करें, उनको मिल गए। वो सिचुएशन देखो कितनी बुरी सिचुएशन थी, कितने न्यूज आई है राजस्थान से ऐसी ऐसी जो सुन के बंदा कांप जाता है। और उसके लिए सबको दिखा कि योगी जी ने देखो यूपी में कितना बुरा हाल होता था, गुंडा राज था, उसको सारा ठीक किया। तो उनको है कि भैया हमें योगी जी जैसा ही कोई चाहिए और उनको मिल रहा है, मिल रहा है, तो वो तो कहेंगे कि हमें यही चाहिए। तो भैया जनता जनार्दन जो बोलेगी वही होना चाहिए और मुझे लगता है वही होगा। हमने तो न्यूज भी सुन ली थी इनफैक्ट कि बालकनाथ जी को दे दिया, नहीं मतलब हो रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा है, क्योंकि अमित शाह ने बोला दे नहीं दिया था, कंफर्म नहीं था। वो कह रहे थे कि क्योंकि अमित शाह ने उनको खास बुलाया है दिल्ली, तो उससे चांसेस उनके बहुत हाई अब लग रहे हैं कि वो बन जाएंगे। चलो आप बताना आपको, आप क्या चाहते हो कि राजस्थान में कौन बने? ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।